नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। निषादपुरा थाना इलाके में एक रिटायर्ड एएसआई की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वह पड़ोसी के साथ किराएदार के हो रहे झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे थे, तभी किराएदार के साले ने उनके सीने में चाकू घोंप दिया। चाकू लगने से पड़ोसी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। निषादपुरा थाना प्रभारी रूपेश दुबे ने बताया कि कृषक नगर निवासी सरदार सिंह रहते हैं, उनके घर के सामने बैंक कर्मचारी नर्मदा प्रसाद यादव रहते हैं। नर्मदा प्रसाद के घर में प्रकाश अहिरवार नाम का व्यक्ति परिवार के साथ किराए से रहता है। बुधवार को प्रकाश का साला रामबाबू अहिरवार अपने जीजा से मिलने आया था। बुधवार रात को साले बहनोई ने जमकर शराब पी थी। इसके बाद रात करीब 3 बजे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। मकान मालिक नर्मदा प्रसाद ने बीच बचाव की कोशिश की तो दोनों उसके साथ मारपीट करने लगे। पड़ोसी की चीख पुकार सुनकर सरदार सिंह की नींद खुल गई। वह पड़ोसी को बचाने पहुंचे और प्रकाश और रामबाबू को समझाने की कोशिश करने लगे। प्रकाश और रामबाबू ने उनके साथ भी मारपीट करना शुरू कर दी। इस दौरान रामबाबू ने चाकू से नर्मदा प्रसाद और सरदार सिंह पर हमला कर दिया। सीने में चाकू का वार लगने से सरदार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के लोग उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चेक करने के बाद डॉक्टर ने सरदार सिंह को मृत घोषित कर दिया। प्रकाश की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर मुख्य आरोपी नजीराबाद निवासी रामबाबू अहिरवार को हिरासत में ले लिया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सर, एक मामला आया है हत्या का, पूरा क्या मामला है? कल रात्रि की घटना है, मध्य रात्रि की। कृषक नगर कॉलोनी के रहने वाले एक नर्मदा प्रसाद है, जो बैंक कर्मी है, कोऑपरेटिव बैंक करोद मंडी में काम करते हैं। इनके यहाँ किराएदार प्रकाश अहिरवार रहते हैं, जो करोद चौराहे पे केला का ठेला लगाते हैं। इनकी पत्नी पीपल्स में काम करती हैं। इनका साला आया हुआ तो मेहमानी करने रामबाबू अहिरवार, तो साले और जीजा में आपस में झगड़ा हुआ। जो झगड़ा को शांत करने नर्मदा प्रसाद पहुँचे, प्रथम बार में तो मामला शांत कर दिया, फिर देर रात्रि 2 बजे फिर ये लोग झगड़े, काफ़ी तेज तेज झगड़ने लगे, तो नर्मदा प्रसाद पहुँचे। आवाज़ सुनकर सामने रहने वाले सरदार सिंह भी आ गए, जो बीच बचाव कर रहे थे। इसी बीच में इनका जो आरोपी है रामबाबू, वो कमरे से चाकू लेके आ गया और दोनों पर उसने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे अस्पताल ले गए दोनों घायलों को। सरदार सिंह जी की उसमें मृत्यु हो गई और ये गंभीर रूप से घायल है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, मामला विवेचनाधीन है। सर, बताया जा रहा है जो मृतक है वो पुलिस रिटायर। हाँ, मृतक एएसआई थे, जो 2019 में रिटायर हो गए थे। सर, विवाद क्या रहा है, किस तरह का विवाद रहा है? वो दोनों साले जीजा जो है वो आपस में पार्टी कर रहे थे, पार्टी में ही कुछ विवाद उनका हो गया और इस पे झगड़ा बढ़ गया उनका। जो बीच बचाव में दोनों लोग आए, तो उन दोनों को उसने, जो रामबाबू, उसने हमला करके घायल कर दिया जान से मारने की नियत से। सर, जांच के बाद आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड आया है? अभी तो विवेचनाधीन मामला है, इसके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रहे हैं, और कहीं अगर फरार है तो वो भी देखा जा रहा है। आरोपी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।